हेलो दोस्तों, तो चलिए हम लोग बात कर रहे थे मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान के बारे में। इसमें हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में बात की थी मध्य प्रदेश की जो पंचवर्षीय कार्यक्रम थे उनके बारे में बात की थी। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश को एक दृष्टि में देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट के रूप में। ठीक है, याद रखिए आपके जितने भी मध्य प्रदेश से संबंधित चैप्टर थे सामान्य ज्ञान से, वो सभी आपको मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान के नाम से जो आपकी प्ले लिस्ट सूची बनी हुई है उसी में मिल जाएंगे। इसके बाद आपके एक दो चैप्टर और बचे हुए हैं, तो करंट अफेयर्स जो आपका है वो हम लोग कंप्लीट कर चुके थे 2019 का, और सुपर फास्ट जो रिवीजन के नाम से आपकी प्ले लिस्ट सूची है उसमें पूरा 2019 का करंट अफेयर्स एक ही लेक्चर में डला हुआ है, तो वहाँ जाके देख लेंगे। और पंचवर्षीय योजनाएँ भी हम लोग जो कुछ महत्वपूर्ण योजनाएँ थी मध्य प्रदेश की उन्हें भी देखा था, तो वो भी आपको प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है, तो लगभग लगभग आपका जो मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान था ये ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, मुझे नहीं लगता है कि इससे बाहर आपके कोई भी क्वेश्चंस जाएंगे, इतना पढ़ लोगे काफ़ी है, बहुत ज़्यादा काफ़ी है, PCS के लिए बहुत है, इससे ज़्यादा कहीं नहीं जाएगा आपका मध्य प्रदेश में। ठीक है, बाकी एग्जामों की तो छोड़ो। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग अनुसंधान केंद्र एवं प्रशिक्षण संस्थानों के बारे में, मध्य प्रदेश के जो अनुसंधान केंद्र हैं एवं प्रशिक्षण संस्थान उनके बारे में। मध्य प्रदेश नरोहना प्रशासनिक अकादमी आपकी ये भोपाल में है। मध्य प्रदेश नरोहना प्रशासनिक अकादमी का है भोपाल में। नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन आपकी हुजूर तहसील के ग्राम बोरदा भोपाल में। जनजाति अनुसंधान एवं विकास संस्थान आपका भोपाल में है। स्वान प्रशिक्षण केंद्र आपका भदभदा भोपाल में है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी आपका भोपाल में है। अटल बिहारी लोक प्रशासन संस्थान आपका भोपाल में है। यातायात प्रशिक्षण संस्थान आपका भोपाल में है। आपदा प्रशिक्षण केंद्र आपका हिनौतिया आलम भोपाल में है। आपदा प्रबंधन संस्थान देश का पहला ये आपका भोपाल में। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान IIFM आपका ये भी भोपाल में है। नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन भोपाल में। राष्ट्रीय विधि संस्थान भोपाल। स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन मैनेजमेंट एंड ट्रेनिंग सेंटर भोपाल। केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान भोपाल। राज्य शिक्षण संस्थान भोपाल। उप पुलिस अधीक्षक DSP ट्रेनिंग हेतु राष्ट्रीय प्रशिक्षण संस्थान भोपाल। राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद भोपाल। सेंटर फॉर रिसर्च एंड इंडस्ट्रियल स्टॉप परफॉर्मेंस किप्स ये आपका भोपाल। IT इन बेल्ट सर्विसेज प्रशिक्षण केंद्र ये भी आपका भोपाल में। हाई सिक्योरिटी एनिमल लेबोरेटरी ये भोपाल में। राष्ट्रीय तकनीकी प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान भोपाल में। मध्य प्रदेश जल एवं भूमि प्रबंधन संस्थान वाल्मी ये भी आपका भोपाल में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च ये आपका भोपाल में है। जलवायु परिवर्तन ज्ञान प्रबंधन केंद्र भोपाल में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट ये आपका भोपाल में है। राष्ट्रीय अभिशासन एवं नगरीय प्रबंधन संस्थान भोपाल। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग भोपाल। एकीकृत पुलिस संस्थान भोपाल। भारतीय विदेश व्यापार संस्थान विश्वविद्यालय भोपाल। राष्ट्रीय यातायात प्रबंधन एवं शोध संस्थान भोपाल। भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान भोपाल में। अब बात करते हैं ग्वालियर के कुछ महत्वपूर्ण संगठनों का जो संस्थान है उनके बारे में। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन ग्वालियर। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट ए ग्वालियर। पटवारी प्रशिक्षण केंद्र ग्वालियर। एडवोकेट्स कंटिन्यूइंग लीगल एजुकेशन इंस्टीट्यूट ग्वालियर। भारतीय पर्यटन एवं पर्यटन प्रबंधन संस्थान ग्वालियर।
भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी और प्रबंधन संस्थान ग्वालियर, मध्य प्रदेश भू राजस्व एवं बंदोबस्त प्रशिक्षण संस्थान आपका ग्वालियर, उष्ण कटिबंधीय वन संस्थान जबलपुर, बी आर अम्बेडकर द्वारा संचार प्रशिक्षण संस्थान जबलपुर, मध्य प्रदेश वन अनुसंधान संस्थान जबलपुर, एकलव्य तीरंदाजी अकादमी जबलपुर। वन जीव फॉरेंसिक एवं स्वास्थ्य केंद्र जबलपुर, अंतर्राष्ट्रीय मक्का व गेहूँ अनुसंधान केंद्र खमरिया जबलपुर, कहाँ है? खमरिया जबलपुर में। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान जबलपुर, रेडीमेड गारमेंट एवं फैशन डिजाइन क्लस्टर जबलपुर, नव आरक्षक प्लाटून कमांडर प्रशिक्षण संस्थान जबलपुर, राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान जबलपुर, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी अभिकल्पना एवं विनिर्माण संस्थान जबलपुर में है। डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान संस्थान आपका ये है महू इंदौर में, लेजर किरण अनुसंधान संस्थान इंदौर, पुलिस वायरलेस प्रशिक्षण महाविद्यालय इंदौर, भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM इंदौर, राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र इंदौर, आर्म्स एंड फैक्ट्री सेंटर इंदौर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT इंदौर, मध्य प्रदेश का पहला वाइल्ड लाइफ अवेयरनेस सेंटर राला मंडल इंदौर, पहला नर्सिंग PhD शोध केंद्र इंदौर में है, वानिकी अनुसंधान है आपका छिंदवाड़ा में, ठीक है, मानव विकास संस्थान छिंदवाड़ा, विदेश का पहला जैन शोध दर्शन संस्थान ये आपका छिंदवाड़ा में है, ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर ये आपका है सालीमेटा लिंगा गांव छिंदवाड़ा, संजय गांधी युवा नेतृत्व एवं ग्रामीण विकास प्रशिक्षण संस्थान पचमढ़ी, थल सेना शैक्षिक प्रशिक्षण कॉलेज व केंद्र पचमढ़ी, कपास अनुसंधान केंद्र खरगोन, वाहन कर्मचारी प्रशिक्षण संस्थान रीवा, अपराध अनुसंधान प्रशिक्षण संस्थान सागर, फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी ये भी आपकी सागर में है, भू उपग्रह दूर संचार अन्वेषण केंद्र गुना में है, फुटवेयर डिजाइन और विकास संस्थान हरिपुर गुना में है ये आपका, कहाँ है? हरिपुर गुना में, अंगूर अनुसंधान केंद्र आपका रतलाम में है, मध्य प्रदेश धान अनुसंधान केंद्र बड़वानी में है, मध्य प्रदेश गेहूँ अनुसंधान केंद्र फवारखेड़ा होशंगाबाद में है, तुलसी शोध केंद्र ये आपका चित्रकूट में, राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान शिवपुरी, दलहन अनुसंधान केंद्र अमलाहा सीहोर, कृषि का अंतर्राष्ट्रीय रिसर्च सेंटर अमलाहा सीहोर, गन्ना अनुसंधान केंद्र बुहानी नरसिंहपुर, फिलास्टिक पार्क ग्राम तामोट रायसेन, थल सेना का प्रशिक्षण कमांड महू में है, जयप्रकाश नारायण सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन ह्यूमैनिटी अभी इसका स्थान घोषित नहीं किया गया, महिला बाल विकास प्रशिक्षण संस्थान बैतूल, अटल बिहारी वाजपेयी संस्कृति एवं कला केंद्र मुरैना, ग्रामीण पंचायत प्रशिक्षण संस्थान अमरकंटक, मत्स्योद्यान प्रशिक्षण संस्थान आपका नौगांव छतरपुर में। अब बात करते हैं हम लोग प्रमुख संगठन संस्थान के कार्यालय या मुख्यालय, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, मध्य प्रदेश राज्य सचिवालय भी भोपाल में, मध्य प्रदेश राज्य संचालनालय ये आपका भोपाल में, मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग भोपाल में, मध्य प्रदेश अनुसूचित जनजाति आयोग का मुख्यालय भोपाल में, मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग का भी मुख्यालय जो आपका भोपाल में, मध्य प्रदेश राज्य अल्पसंख्यक आयोग का मुख्यालय भी भोपाल में, इको पर्यटन विकास का मुख्यालय आपका भोपाल में है, ठीक है याद रखना। आगे बात करते हैं
मध्य प्रदेश बीज, मध्य प्रदेश बीज तथा फार्म विकास निगम, ये 1980 में बना, ये भोपाल में। मध्य प्रदेश राज्य उद्यम निगम 1961 में बना, भोपाल में। मध्य प्रदेश लघु उद्यम निगम 1961, इसका मुख्यालय भी भोपाल में। मध्य प्रदेश औद्योगिक निगम 1965, ये भी भोपाल में। मध्य प्रदेश वस्त्र उद्योग मंडल 1972 भोपाल में। मध्य प्रदेश माइनिंग कॉरपोरेशन भोपाल में। मध्य प्रदेश एग्रो इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन, ये आपका भोपाल में। मध्य प्रदेश खादी एवं ग्राम्य उद्योग भोपाल। मध्य प्रदेश हैंडलूम संचालनालय 1976 में की स्थापना हुई, ये भी आपका भोपाल में। मध्य प्रदेश निर्यात निगम भोपाल में है। मध्य प्रदेश हस्त विकास निगम 1981 में बना, ये भी आपका भोपाल में। मध्य प्रदेश महिला वित्त एवं विकास बोर्ड भोपाल में। मध्य प्रदेश राज्य समाज कल्याण बोर्ड भोपाल में। मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक आयोग आपके भोपाल में। मध्य प्रदेश गोपालन एवं पशुपालन संवर्धन बोर्ड का मुख्यालय जो भोपाल में। मध्य प्रदेश राज्य खनिज निगम भोपाल में। क्या है, मध्य प्रदेश कृषि विपणन भोपाल में है। मध्य प्रदेश कृषि उद्योग विकास निगम का मुख्यालय भी भोपाल में। मध्य प्रदेश लोक आयुक्त कार्यालय भोपाल में। मध्य प्रदेश सूचना आयोग भोपाल में। मध्य प्रदेश चरम विकास निगम भोपाल में। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया साइन का क्षेत्रीय कार्यालय आपका गोरागांव भोपाल में। मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भोपाल में। मध्य प्रदेश राज्य योजना भोपाल में। मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास का निगम का मुख्यालय भोपाल में। द्रौपद संगीत अकादमी भोपाल। मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड भोपाल। नरोन्या प्रशासनिक अकादमी भोपाल। माटी कला बोर्ड भोपाल। मध्य प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद भोपाल। मध्य प्रदेश मानवाधिकार आयोग भोपाल। मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग भोपाल। मध्य प्रदेश उपभोक्ता आयोग भोपाल। मध्य प्रदेश सड़क परिवहन निगम का मुख्यालय भोपाल। मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम लिमिटेड का मुख्यालय भोपाल। उद्यमिता विकास केंद्र भोपाल। मध्य प्रदेश राज्य बीज एवं फार्म विकास निगम लिमिटेड भोपाल। मध्य प्रदेश श्रम कल्याण मंडल भोपाल। मध्य प्रदेश मदरसा बोर्ड भोपाल। नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण भोपाल। मध्य प्रदेश राज्य भूमि विकास निगम भोपाल। व्यवसायिक परीक्षा मंडल व्यापम आपका भोपाल में ही है। मध्य प्रदेश एग्रो इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन भोपाल। रेलवे बोर्ड का मुख्यालय भी भोपाल में। पर मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, यह है आपका इंदौर में। मध्य प्रदेश वित्त निगम, ये भी आपका इंदौर में। मध्य प्रदेश वस्तु निगम वस्तुद्योग निगम, ये इंदौर में। मध्य प्रदेश राज्य भंडार गृह निगम इंदौर। राज्य मुद्रणालय इंदौर। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की खंडपीठ आपकी इंदौर और ग्वालियर में। मध्य प्रदेश महालेखा कार्यालय ग्वालियर। मध्य प्रदेश राजस्व न्यायालय ग्वालियर। भू अभिलेख का कार्यालय ग्वालियर में, ठीक है, याद रखना है। परिवहन कार्यालय ग्वालियर में। मध्य प्रदेश बैडमिंटन एसोसिएशन जबलपुर। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर। मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर। महाधिवक्ता कार्यालय जबलपुर। मध्य प्रदेश विद्युत मंडल मुख्यालय जबलपुर। जवाहरलाल नेहरू पुलिस अकादमी 1986 में बनी थी, यह है आपकी सागर में। कहाँ है, सागर में। चलिए अब बात करते हैं हम लोग मध्य प्रदेश में एकमात्र क्या क्या है उन्हें देख लेते हैं। प्रदेश की पहले अंडा आकार की जेल भोपाल में है। प्रदेश की सर्वप्रथम बजट वित्त मंत्री मिश्रीलाल गंगवाल ने 10 जनवरी 1957 को प्रस्तुत किया था। मध्य प्रदेश के गुना जिले में प्रदेश का पहला सेक्स वर्कर पुनर्वास केंद्र स्थापित हुआ। कहाँ, गुना में। प्रदेश का पहला नर्सिंग पीएचडी शोध केंद्र इंदौर में। प्रदेश में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भोपाल। बालाघाट जनसंपर्क कार्यालय प्रदेश का प्रथम पेपरलेस कार्यालय।
विदेश में पहला अंतर्राष्ट्रीय मक्का एवं गेहूं अनुसंधान केंद्र आपका खमरिया जबलपुर में है। विदेश का प्रथम विश्वविद्यालय डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय है। विदेश का पहला सेल रिच जैविक खाद संयंत्र आपका भोपाल में है। विदेश का प्रथम विशेष आर्थिक क्षेत्र इंदौर है। छतरपुर में विदेश का पहला शिल्प गांव है। विदेश का एकमात्र जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान बंडला में है। विदेश का एकमात्र निर्यात उर्वरक औद्योगिक पार्क देवास में स्थापित किया गया। विदेश की खुली जेल नवजीवन शिविर के नाम से गुना वर्तमान अशोकनगर के मुंगावली में खोली गई। ऐतिहासिक धरोहर के संरक्षण के लिए विदेश का पहला राज्य संग्रहालय भोपाल में स्थापित किया गया। विदेश में एकमात्र कुंभ सिंहस्थ का मेला उज्जैन में आयोजित होता है प्रति 12 वर्ष में। विदेश का प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व पचमढ़ी में स्थापित है। विदेश का खंडवा जिला राज्य का एकमात्र गांजा उत्पादक जिला है। क्या है? गांजा उत्पादक जिला है। विदेश का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान 1955 एवं टाइगर प्रोजेक्ट 1974 में कान्हा किसली है। विदेश की प्रथम झींगा हेचरी बालाघाट जिले में स्थापित की गई। विदेश का पहला आकाशवाणी केंद्र इंदौर में स्थापित हुआ। राज्य का पहला सामाजिक पत्र ग्वालियर अखबार था। मध्य प्रदेश की हिंदी में प्रकाशित होने वाली प्रथम समाचार पत्रिका आपका मालवा अखबार था। राज्य का एकमात्र यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय बुरहानपुर में है। विदेश का एकमात्र शासकीय दंत चिकित्सालय इंदौर में है। विदेश का राजकीय पशु वारहसिंगा एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कान्हा में पाया जाता है। आगे चर्चा करते हैं, पहली स्थायी लोक अदालत की स्थापना इंदौर में की गई। विदेश में एकमात्र हॉकी छात्रावास आपका नरसिंहपुर में है। खरगोन जिले में विदेश का प्रथम साग सब्जी प्रक्रिया केंद्र स्थापित किया गया। विदेश का एकमात्र हिल स्टेशन पचमढ़ी में है। विदेश की एकमात्र बैंक नोट प्रेस देवास में है। विदेश की ऋतु संबंधी आंकड़े बताने वाली एकमात्र वैधशाला इंदौर में है। विदेश का एकमात्र रेप्टाइल पार्क पन्ना में, कहाँ? पन्ना में। विदेश का एकमात्र घड़ी बनाने का कारखाना बैतूल में। विदेश का पहला आईटी पार्क भोपाल में है। इंदौर नगर में विदेश का पहला भूमिगत उपग्रह केंद्र स्थापित किया जा चुका है। मध्य प्रदेश का प्रथम पर्यटक नगर आपका शिवपुरी है। मध्य प्रदेश का झाबुआ जिला एकमात्र एस्बेस्टस उत्पादक जिला है। विदेश का पहला जेंडर आधारित बजट 2007-08 में प्रस्तुत किया गया। 26 जनवरी 2006 को मध्य प्रदेश की प्रथम डीएनए प्रयोगशाला सागर में स्थापित की गई थी। कहाँ? सागर में। अगला है, मध्य प्रदेश का पहला सूचना प्रौद्योगिकी आईटी विश्वविद्यालय ग्वालियर में स्थापित है। विदेश की राजधानी भोपाल में राज्य का पहला संजीवनी आयुर्वेद विक्रय केंद्र स्थापित है। विदेश का एकमात्र जड़ी बूटी बैंक पर्यटक नगरी पचमढ़ी के पास पनार पानी में क्षेत्र में स्थापित है। मध्य प्रदेश जबलपुर में देश का पहला बेलोड्रम स्थापित किया गया। मध्य प्रदेश के देवास जिले में विदेश के पहले मोबाइल थाने की शुरुआत 2003 में की गई थी। मध्य प्रदेश का प्रथम पहला सर्व उद्यान भोपाल में स्थापित किया जा रहा। मध्य प्रदेश का प्रथम आदिवासी खेल विद्यालय आपका सीहोर में स्थापित है। विदेश का एकमात्र अफीम उत्पादक जिला मंदसौर है। रीवा प्रदेश का एकमात्र जिला है जहां सफेद शेर पाए जाते हैं। घातक पशु बीमारी के लिए वैक्सीन बनाने वाला विदेश की एकमात्र बायोजेनिकल लैब आपकी महू में है। विदेश का पहला पवन ऊर्जा फार्म धार जिले के खेड़ा गांव की पहाड़ियों पर स्थापित किया गया। मध्य प्रदेश की एक महिला जेल आपकी होशंगाबाद में है। विदेश का एकमात्र सैनिक अड्डा महाराजपुर मुरार ग्वालियर में है।
प्रदेश का प्रथम परमाणु बिजली घर चुटका गांव मंडला में है। मध्य प्रदेश का प्रथम एकमात्र उद्यान की महाविद्यालय मंदसौर में है। मध्य प्रदेश की प्रथम औद्योगिक प्रयोगशाला की स्थापना इंदौर में की गई। प्रदेश का प्रथम चिकित्सा महाविद्यालय 1946 में ग्वालियर में स्थापित है। मध्य प्रदेश का एकमात्र सैनिक स्कूल आपका रीवा में है। मध्य प्रदेश का प्रथम महिला थाना भोपाल में स्थापित किया गया। प्रदेश का एकमात्र कृषि अभियांत्रिकी महाविद्यालय जबलपुर में है। प्रदेश का एकमात्र गैस आधारित विद्युत गृह भांडेर दतिया में, कहाँ है, दतिया में। प्रदेश का एकमात्र रेलवे इंजन बनाने का कारखाना भोपाल में है। प्रदेश की एकमात्र खेल पत्रिका हलचल का नाम के नाम से इंदौर से प्रकाशित होती है। मध्य प्रदेश के रतलाम में प्रदेश का पहला अंगूर अनुसंधान केंद्र बनाया गया। प्रदेश का पहला ड्राइविंग स्कूल इंदौर में बनेगा। प्रदेश का पहला विमान रिपेयरिंग सेंटर इंदौर में स्थापित किया जाएगा। मध्य प्रदेश में प्रथम चलित ATM सेवा इंदौर में। प्रदेश में स्कूल शिक्षा विभाग का पहला गर्ल्स फिजिकल ट्रेनिंग कॉलेज शिवपुरी में। गेहूँ उपज खरीदने के लिए किसानों को SMS से आमंत्रण देने वाला मध्य प्रदेश भारत का प्रथम राज्य है। मछुआरों की के बीमा राज्य में राज्य का देश में प्रथम स्थान है। राजघाट जलाशय से लाभ मिलना शुरू हो गया। मध्य प्रदेश ई पेमेंट देश में प्रथम स्थान है। प्रदेश का पहला बांस बगीचा भोपाल के लहानपुर इकोलॉजिकल गार्डन में विकसित किए जा रहे हैं। बगीचे में देश विदेश से की 100 से अधिक बांस प्रजातियों को संरक्षित किया जाएगा। फिलहाल 25 प्रजातियों का रोपण किया जा रहा है। प्रदेश की पहली चलित आंगनबाड़ी जुगनू का इंदौर में महिला बाल विकास मंत्री श्रीमती माया सिंह ने 2 मार्च 2015 को हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया था। ये उस समय की तत्कालीन बाल विकास मंत्री थी। ठीक है, मध्य प्रदेश की पहली मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च यूनिट ग्वालियर में कि गजराजा मेडिकल कॉलेज में स्थापित की जाएगी। मध्य प्रदेश का पहला मदर मिल्क पार्लर होशंगाबाद जिले के अस्पताल में खोला गया। हिंदी क्षेत्र का पहला राज्य नाटक विद्यालय भोपाल में खोला गया। मध्य प्रदेश के मंदसौर में 10 मार्च 2013 को प्रदेश की पहली महिला अदालत का आयोजन किया गया। मध्य प्रदेश का पहला पोषण केंद्र अटल बाल आरोग्य मिशन के तहत नेताजी सुभाष चंद्र मेडिकल हॉस्पिटल जबलपुर में स्थापित किया गया। प्रदेश का एकमात्र बालक वॉलीबॉल हॉस्टल नरसिंहपुर में 2000 से आरंभ हुआ। नर्मदा नदी पर बनने वाली धुआंधार जलप्रपात प्रदेश का एकमात्र जलप्रपात है जो संगमरमर की चट्टानों से बना है। प्रदेश का पहला संस्कृति विश्वविद्यालय आपका उज्जैन में स्थापित है। मध्य प्रदेश की प्रथम खुली जेल कॉलोनी होशंगाबाद में। मध्य प्रदेश का पहला आयकर हेल्प सेंटर इंदौर में प्रारंभ। मध्य प्रदेश का पहला पुलिस मेट्रो थाना हबीबगंज भोपाल में स्थापित किया गया। प्रदेश का प्रथम भील सामुदायिक रेडियो केंद्र भावरा में प्रारंभ किया गया। मध्य प्रदेश का पहला किसान विद्यालय जबलपुर में खोला गया। तो बात करते हैं भारत में मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान किन किन में, उन्हें भी देख लेते हैं। वित्तीय वर्ष जनवरी दिसंबर की घोषणा करने वाला देश का प्रथम राज्य आपका मध्य प्रदेश। विषन्नता के संकेतक तैयार करने वाला देश का पहला राज्य है मध्य प्रदेश। पचमढ़ी की चंपक झील के किनारे देश का पहला सूर्य नमस्कार पार्क निर्माणाधीन है। लोगों को आवास की गारंटी देने वाला प्रथम राज्य है मध्य प्रदेश। भोपाल का हबीबगंज रेलवे स्टेशन देश का पहला निजी स्टेशन बना। देश का पहला और दुनिया का चौथा डेटा सेंटर पार्क क्लस्टर इंदौर में बनाया जाएगा। देश का पहला माइक्रोचिप बनाने का प्लांट भोपाल में स्थापित किया जाएगा। भू संपदा विनियामक प्राधिकरण बनाने वाला देश का पहला राज्य मध्य प्रदेश। महाशीर मछली के कृत्रिम प्रजनन में सफलता हासिल करने वाला प्रथम राज्य आपका मध्य प्रदेश। कान्हा टाइगर रिजर्व सरकारी शुभकर भोर सिंह बारहसिंगा हासिल करने वाला देश का पहला टाइगर रिजर्व है जो कि आपका MP में है। एशिया का सबसे बड़ा दलहन अनुसंधान केंद्र
मध्य प्रदेश के सीहोर के जिले के अमलाहा में स्थापित होगा। मध्य प्रदेश के रीवा की गुड़ा तहसील में देश का सबसे बड़ा अल्टा मेगा सोलर पार्क स्थापित है। 16 जून 2014 को मेधा प्रोजेक्ट के तहत भोपाल के JP हॉस्पिटल में मेधा महिला सेवा केंद्र की शुरुआत की गई। यह देश का पहला वन स्टॉप क्राइसिस सेंटर है। लगातार 5 बार कृषि कर्मठ पुरस्कार प्राप्त करने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य बना। मध्य प्रदेश किन्नर बोर्ड गठित करने वाला देश का पहला राज्य है। देश की पहली स्किल्ड डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी मध्य प्रदेश के इंदौर में स्थापित की जाएगी। मध्य प्रदेश की धार्मिक नगरी जो आपकी उज्जैन में, देश की पहली डिजाइन यूनिवर्सिटी स्थापित की जाएगी। ईमेल नीति लागू करने वाला मध्य प्रदेश भारत का पहला राज्य है। मध्य प्रदेश के नीमच जिले में देश का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जाएगा। प्रदेश की धार्मिक नगरी उज्जैन विश्व में एकमात्र स्थान है जहाँ 21 जून को सूर्य 90 डिग्री पर लंबवत होता है। मध्य प्रदेश का सतपुड़ा टाइगर रिजर्व बाघों का DNA टेस्ट कराने वाला देश का प्रथम नेशनल पार्क बन गया। मध्य प्रदेश देश का ऐसा पहला राज्य है जिसका अपना राष्ट्रगान है। मध्य प्रदेश के आगर मालवा सालरिया गांव जिले के सुसनेर क्षेत्र में विश्व का पहला गौ अभ्यारण्य स्थापित किया गया है। विश्व का पहला जनजाति समुदाय के रेडियो केंद्र मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले के ग्राम भावगा चंद्रशेखर आजाद नगर में स्थापित किया गया है। प्रत्येक गांव का मास्टर प्लान बनाने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है। देश का पहला जलवायु परिवर्तन ज्ञान प्रबंधन केंद्र भोपाल में स्थापित किया जा रहा है। इंदौर की अनुपमा सकरायगाए अंतर्राष्ट्रीय चौकबॉल निर्णायक की परीक्षा उत्तीर्ण कर इस खेल में देश की पहली अंतर्राष्ट्रीय महिला निर्णायक बनने वाली शख्स हैं। देश की पहली अंतर्राष्ट्रीय एकीकृत परिवहन जाँच चौकी की स्थापना मध्य प्रदेश के बैतूल में की गई है। देश का पहला राज्य जिसमें पर्यटन वायु टैक्सी सेवा चालू की गई है। देश की पहली भीली भाषा की फिल्म फैसला की संपूर्ण शूटिंग आपकी मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में की गई। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान भोपाल ISO 9001 अनुपाते 2008 अवार्ड पाने वाला देश का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। मध्य प्रदेश राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर NPR के कार्य को भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UID के आधार से जोड़ने वाला देश का पहला राज्य बन गया है मध्य प्रदेश। सौर ऊर्जा से संचालित देश का पहला इको फ्रेंडली टेलीकॉम एक्सचेंज 4 जनवरी 2012 को भोपाल में शुरू हुआ। किसानों के बैंक खातों में अनुदान बोनस तथा अन्य राशि सीधे जमा कराने वाले मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है। कृषि आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत करने वाला प्रदेश मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य। मध्य प्रदेश का बालाघाट जिला देश का ऐसा पहला जिला है जहां सिर्फ बेटियां बेटियों वाले माता पिता को घरेलू कामकाज से संबंधित सरकारी कार्यों में लाइन लगने की आवश्यकता नहीं है। कान्हा टाइगर रिजर्व देश का पहला पर्यटन स्थल है जहां 13 वेगा महिलाएं गाइड का प्रशिक्षण लेने के लिए के बाद सफलतापूर्वक कार्य कर रही हैं। जबलपुर जिले की परियट नदी के तट पर ग्राम पिपरिया परियट में निजी क्षेत्र द्वारा राज्य शासन के मार्गदर्शन में देश के पहले बायोगैस बिजली संयंत्र की स्थापना की गई है। देश का पहला बौद्ध विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश के सांची रायसेन में स्थापित किया गया। मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है जिसने लोक सेवा विदाय गारंटी अधिनियम पारित कर लागू किया है। देश का पहला सोलर पार्क मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले में स्थापित होगा। मध्य प्रदेश राज्य स्तर पर मानव विकास रिपोर्ट विकसित करने वाला देश का प्रथम राज्य है। ग्राम न्यायालय स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य बना है मध्य प्रदेश।
वनों का पूर्ण राष्ट्रीयकरण करने वाला देश का प्रथम राज्य है आपका मध्य प्रदेश। देश का पहला मोबाइल बैंक स्थापित करने वाला राज्य मध्य प्रदेश। देश में जिला सरकार स्थापित करने वाला राज्य मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश महिला नीति बनाने वाला देश का पहला राज्य। देश का प्रथम मेडिको लीगल संस्थान आपका भोपाल में। देश का एकमात्र मानव संग्रहालय आपका भोपाल में। भारत में प्रथम ऑप्टिकल फाइबर कारखाना मंडीदीप रायसेन में स्थापित किया गया। मध्य प्रदेश गेरू उत्पादन में देश में प्रथम स्थान है। देश का सर्वाधिक सोयाबीन मध्य प्रदेश में उत्पादित होता है। मध्य प्रदेश देश में सबसे बड़ा तेंदुपत्ता व बीड़ी निर्माता राज्य है। देश एवं एशिया का पहला शारीरिक प्रशिक्षण महाविद्यालय मध्य प्रदेश के ग्वालियर में स्थापित है। देश ही नहीं एशिया का भी प्रथम लेजर अनुसंधान केंद्र आपका मध्य प्रदेश के इंदौर में है। इंदौर में है क्या है फिर से देख लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। देश ही नहीं एशिया का प्रथम लेजर अनुसंधान केंद्र मध्य प्रदेश के इंदौर में है। मध्य प्रदेश हिंदी भाषा में गजेटियर विकसित करने वाला देश का प्रथम राज्य है। मानव अधिकार आयोग गठित करने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है। जिला स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट तैयार करने वाला भी मध्य प्रदेश प्रथम राज्य है। देश का एकमात्र आदिवासी शोध संस्थान केंद्र मध्य प्रदेश के झाबुआ में है। मध्य प्रदेश के जबलपुर में देश का पहला विकलांग पुनर्वास केंद्र स्थापित किया गया है। देश का पहला रत्न परिषद केंद्र जबलपुर में स्थापित किया गया। देश ही नहीं बल्कि एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन संयंत्र आपका उज्जैन में स्थापित है। देश का पहला सोयाबीन वायदा बाजार आपका इंदौर में है। देश का सर्वाधिक पवन चक्कियां मध्य प्रदेश में है। देश का एकमात्र चाय अकादमी भोपाल में है। देश का पहला पुरातत्व पार्क मध्य प्रदेश के दमोह जिले में संग्रामपुर में है। देश का प्रथम सौर चलित टेलीफोन एक्सचेंज प्रदेश के शिवपुरी जिले के अमोल पाटा में स्थापित किया गया। मध्य प्रदेश देश का पहला कार्गो हवाई अड्डा स्थापित किया जा रहा है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में देश का पहला सिंकोटोन विकिरण स्रोत इंडस फर्स्ट प्रारंभ किया गया। भारत की सबसे बड़ी मस्जिद बैठक क्षमता में ताजुल मस्जिद भोपाल में कहाँ है, ताजुल मस्जिद भोपाल में। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल देश का पहला नेशनल सेलिंग स्कूल प्रारंभ किया गया। देवास पुलिस का अधीक्षक कार्यालय देश का पहला ऐसा ISP कार्यालय है जिसे ISO प्रमाण पत्र दिया गया। प्रदेश के बैतूल जिले की कसई गांव गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत बायोमास संयंत्र द्वारा उत्पादित बिजली से स्थापित होने वाला देश का पहला गांव है। भारत का पहला रामायण संग्रहालय मध्य प्रदेश के ओरछा में स्थापित किया गया। साथ ही ओरछा में देश का पहला रामायण म्यूजियम भी स्थापित है। सरकारी खरीद में आरक्षण लागू करने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य। मध्य प्रदेश के जबलपुर में स्थापित विद्युत मंडल देश का पहला विद्युत मंडल है। भोपाल एक्सप्रेस भोपाल से दिल्ली देश की पहली ट्रेन है जिसे 2003 में ISO 9001 प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। भेल द्वारा भोपाल में संचालित जवाहरलाल नेहरू ISO 9001 2000 प्रमाण पत्र पाने वाला देश का पहला स्कूल है। मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है जिसने बेरोजगारी भत्ता देने की व्यवस्था की थी। मध्य प्रदेश वर्ष 2006 में देश की पहली साइबर टेजी का प्रारंभ किया है मध्य प्रदेश ने। वर्ष 1995 में देश का पहला राष्ट्रीय युवा महोत्सव प्रदेश की राजधानी भोपाल में मनाया गया। मध्य प्रदेश पुरुष नसबंदी के मामले में देश में पहले स्थान पर है। मध्य प्रदेश देश का प्रथम राज्य है जिसने प्रत्येक जिले में उद्योग केंद्र स्थापित किए हैं। प्रदेश के जबलपुर जिले में देश का पहला ऐसा जिला बनने का गौरव हासिल किया है जहां महत्वाकांक्षा समाधान एक दिन योजना लागू की गई। मध्य प्रदेश देश का प्रथम राज्य है जिसने सभी गाँवों को ग्राम संपर्क नामक वेबसाइट से जोड़ने में सफलता प्राप्त की। देश का पहला शिव संग्रहालय राजधानी भोपाल के निकट स्थित भोजपुर में प्रस्तावित है।
देश का पहला सामान्य वर्ग निर्धन कल्याण आयोग मध्य प्रदेश में 2008 में गठित किया गया। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा, छोटा, ऊंचा, नीचा, अधिक, कम, मतलब जनरल नॉलेज के क्वेश्चन से मध्य प्रदेश के बारे में। ठीक है, देखते हैं। एशिया का सबसे बड़ा पनीर निर्माण संयंत्र आपका मध्य प्रदेश के खजुराहो में स्थापित किया गया। एशिया का सबसे बड़ा पनीर निर्माण संयंत्र आपका खजुराहो में स्थापित किया गया। प्रदेश का सबसे ऊंचा स्थान धूपगढ़ पहाड़ी पचमढ़ी में है। मध्य प्रदेश का सबसे नीचा स्थान नर्मदा सोन घाटी है। मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नर्मदा नदी, 1312 किलोमीटर। प्रदेश का सबसे लंबा पुल तावा नदी पुल है। प्रदेश से गुजरने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH3 है। प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग NH76 है। प्रदेश का सबसे गर्म स्थान आपका गंजबासौदा है। प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान शिवपुरी है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान आपकी पचमढ़ी है। सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र भिंड है। सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कान्हा किस लिए है? सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान फौसल राष्ट्रीय उद्यान है। प्रदेश की सबसे बड़ी मस्जिद ताजुल मस्जिद भोपाल है। सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन इटारसी जंक्शन है। प्रदेश की सबसे बड़ी गणपति प्रतिमा इंदौर में है, जो बड़ा गणपति के नाम से जाना जाता है। सबसे मोटी कोयला परत आपकी सिंगरौली में है। क्या है? सिंगरौली में। सबसे बड़ा भौतिक विभाग मालवा का पठार है। सबसे बड़ा कोयला भंडार आपका सुहागपुर क्षेत्र में है। प्रदेश का सबसे बड़ा शिवलिंग भोजपुर मंदिर का है। प्रदेश का मालवा क्षेत्र सर्वाधिक गेहूं उत्पादक क्षेत्र है। सर्वाधिक प्रसार वाला समाचार पत्र आपका दैनिक भास्कर है। मध्य प्रदेश का सर्वाधिक कुपोषित जिला आपका शिवपुर है। मध्य प्रदेश कम कुपोषित जिला है आपका भोपाल सबसे। प्रदेश का सर्वाधिक सघन आबादी वाला जिला भोपाल है, 855 प्रति वर्ग किलोमीटर है। सबसे अधिक विरल आबादी आपकी डिंडोरी में है, 94 प्रति व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, इसे आप लोग जनघनत्व भी बोल देते हैं। सर्वाधिक सघन आबादी वाला संभाग है आपका इंदौर। क्या है? इंदौर। क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है आपका छिंदवाड़। क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला है आपका दतिया, याद रखिए। लेकिन जब निवाड़ी अब आपका जिला नया बन चुका है टीकमगढ़ से अलग करके, तो अब याद रखना 2021 की या जो नई आंकड़े आ रहे हैं उसमें आपका निवाड़ी सबसे छोटा जिला जनसंख्या में और क्षेत्रफल में बताया जा रहा है। ठीक है, और 2021 की जनगणना के बाद यह आंकड़े आपकी बुक्सों में भी कंप्लीट कर दिए जाएंगे। ठीक है, अपडेट। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा संभाग आपका जबलपुर है। क्षेत्रफल में सबसे छोटा संभाग आपका चंबल है। प्रदेश के पन्ना जिले की अजयगढ़ तहसील सबसे छोटी तहसील है क्षेत्रफल में। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटी तहसील आपकी रौन भिंड है। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि करने वाला जिला आपका इंदौर है। जनसंख्या दृष्टि से प्रदेश का पहला जिला बड़ा जिला इंदौर है। सबसे कम जनसंख्या वृद्धि करने वाला जिला अनूपपुर है आपका। जनसंख्या की दृष्टि से प्रदेश का सबसे छोटा जिला हरदा है, याद रखिए। अब लेकिन जब से निवाड़ी बना है तो निवाड़ी है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी तहसील आपकी इंदौर है। जनजाति जनसंख्या का सर्वाधिक संकरण दरण झाबुआ में। कहाँ है? झाबुआ में। प्रदेश का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है आपका बालाघाट, 1021, 1000 पुरुषों पर 1021, 1021 महिलाएं। सबसे कम लिंगानुपात आपका भिंड में, 837। चंबल संभाग प्रदेश का सबसे कम लिंगानुपात वाला संभाग है। प्रदेश का सबसे बड़ा नगर इंदौर है। सबसे बड़ा वन वृत्त खंडवा है। सबसे छोटा वन वृत्त शाजापुर है। सर्वाधिक वन वृक्ष आपके सागौन के हैं। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक पाए जाने वाला वन पशु चीतल है। सबसे कम सिंचाई वाला जिला आपका डिंडोरी है। सबसे बड़ी जनजाति आपकी भील है। सर्वाधिक सिनेमा घर वाला शहर है आपका इंदौर। कपास का सर्वाधिक क्षेत्रफल खरगोन जिले में। विदिशा सबसे बड़ा चना उत्पादक जिला है। विदिशा सबसे बड़ा चना उत्पादक जिला है। मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध नगर और उनके स्थल एवं के उपनाम देखते हैं। ठीक है, ये आपके स्थान दिए गए,
और ये उपनाम दिए गए उनके। जैसे जबलपुर को, जबलपुर को हम लोग संगमरमर की नगरी कहते हैं, भेड़ाघाट को संगमरमर की चट्टाने कहते हैं, भिंड मुरैना को बागियों का गढ़, उज्जैन को मंदिरों एवं मूर्तियों का नगर, उज्जैन को महाकाल की नगरी भी कहते हैं, खजुराहो को हम लोग शिल्प कला का तीर्थ कहते हैं, भीमबेटका को हम लोग शैल चित्रकला कहते हैं, सांची को बौद्ध जगत की पवित्र नगरी कहते हैं, इंदौर को मिनी मुंबई कहा जाता है, सिवनी को मध्य प्रदेश का लखनऊ कहा जाता है, बालाघाट को मैग्नीज नगरी कहते हैं, कटनी को चूना नगरी, मांडू को आनंद नगरी या फिर सिटी ऑफ जॉय कहते हैं, मालवा को गेहूं का भंडार, ग्वालियर को तानसेन की नगरी कहते हैं, मेहर को संगीत नगरी, भोपाल को झीलों की नगरी कहा जाता है, भोपाल को झीलों की नगरी कहा जाता है, पचमढ़ी को पर्यटकों की का स्वर्ग स्थल कहा जाता है, पीथमपुर को भारत का डेट्राइट कहते हैं, बुरहानपुर को गंजेड़ियों का स्वर्ग कहते हैं, खंडवा खरगोन को सुनहरे जिले कहते हैं, बेतवा मध्य प्रदेश की गंगा है प्रदूषण के आधार पर, छिप्रा मालवा की गंगा है, रीवा सफ़ेद शेर की भूमि है, इंदौर कपड़ों का शहर, मांडू महलों की नगरी, धार भोज नगरी, शिवपुरी पर्यटन नगरी, ग्वालियर किलों का रतन, भोजपुर का शिव मंदिर, मध्य भारत का सोमनाथ, पन्ना डायमंड की सिटी, सागर मध्य प्रदेश का स्विट्जरलैंड, सागर को क्या कहा जाता है, मध्य प्रदेश का स्विट्जरलैंड, पैंच मध्य प्रदेश का मोगली लैंड, भारत भवन प्रदेश का सांस्कृतिक केंद्र, उज्जैन मंगल ग्रह की जन्मभूमि, उज्जैन पवित्र नगरी भी है, इंदौर को हम लोग अहिल्या नगरी कहते हैं, इंदौर को अहिल्या नगरी कहा जाता है। अब बात करते हैं विदेश के नगरों स्थलों की प्रसिद्धि के कारण, ये आपके नगर हो गए स्थान और प्रसिद्धि पाने के कारण, जैसे भोपाल है आपका राजधानी क्षेत्र है, झीलें हैं यहाँ इसलिए प्रसिद्ध है, इंदौर आपका उद्योग नगरी और मिनी मुंबई के नाम से प्रसिद्ध है, खजुराहो कलात्मक मंदिरों के कारण, पचमढ़ी एक माध्यम हिल स्टेशन, मलाजखंड तांबे की खदानें हैं, पन्ना हीरे की खदानों के लिए प्रसिद्ध है, सांची बौद्ध स्तूप का के कारण, मंदसौर अफीम उत्पादन के कारण, इटारसी रेलवे जंक्शन के कारण, नेपानगर कागज मिल के कारण, भीमबेटका प्राचीन शिल चित्र के कारण, रीवा सफ़ेद शेरों के कारण प्रसिद्ध है, सिंगरौली सबसे छोट मोटी कोयला परत के लिए प्रसिद्ध है, भेड़ाघाट आपका संगमरमर की चट्टानों के लिए प्रसिद्ध है, अमलाई आपका पेपर मिल के लिए प्रसिद्ध है, खंडवा आपका सिंगाजी का मेला लगता है यहाँ इसलिए प्रसिद्ध है, उज्जैन आपका कुंभ का मेला व महाकाल का मंदिर है इसलिए प्रसिद्ध है, ओंकारेश्वर ये यहाँ ज्योतिर्लिंग है, देवास बैंक नोट पे चामुंडा माता का मंदिर है इसलिए प्रसिद्ध है, धार बाकी गुफाएं हैं, वावन गजा आदिनाथ की विशाल मूर्ति है, चंदेरी किला व साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है, मांडू खूबसूरत महलों के कारण प्रसिद्ध है, महेश्वर साड़ियों की बनावट के लिए प्रसिद्ध है, ग्वालियर किले एवं मंदिर के कारण प्रसिद्ध है। फिर है प्रमुख पार्क, पार्कों का नाम है स्थान है, प्लास्टिक पार्क तामोट रायसेन, पहला डेटा सेंटर पार्क इंदौर, देश का दूसरा महिला पार्क इंदौर, इको टूरिज्म पार्क रीवा, मसाला पार्क छिंदवाड़ा, जैव प्रौद्योगिकी पार्क देपालपुर इंदौर, जेम्स एवं ज्वेलरी पार्क इंदौर, पहला आईटी पार्क भोपाल, केंद्रीय खाद्य पार्क छह स्थानों पर मंदसौर खरगोन मंडला होशंगाबाद छिंदवाड़ा भिंड, पहला पुरातत्व पार्क संग्रामपुर दमोह, बायोटेक्नोलॉजी पार्क इंदौर में प्रस्तावित है, जैव ऊर्जा पार्क रीवा, पहला सौर ऊर्जा पार्क गणेशपुर राजगढ़ में, निर्यात उर्वरक औद्योगिक पार्क आपका देवास में है, कहाँ है देवास में, ठीक ये थी आपके मध्य प्रदेश के प्रमुख पार्क। आगे बात करते हैं
मध्य प्रदेश के नगरों के प्राचीन नाम और उनके वर्तमान नाम, ये आपके प्राचीन या पुराने नाम हो गए नगरों के, और नवीन या वर्तमान नाम है उनके। जैसे महू, इंदौर को आप क्या कहते हैं? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर नगर कहते हैं। महू को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर नगर कहते हैं। भाभरा, अलीराजपुर, इसे हम लोग अब चंद्रशेखर आजाद नगर कहते हैं। भोपाल या भोजताल, इसे हम लोग भोपाल कहते हैं। काकनाथ को अब इसे सांची कहते हैं। सादियाबाद, इसे हम लोग मंडू कहते हैं। विसपुरी, इसे हम लोग सुहागपुर कहते हैं। अब कापित, इसे हम लोग कायथा कहते हैं। मल्हार नगरी, अब इसे हम लोग इंदौर कहते हैं। इंदौर, इसे हम लोग इंदौर कहते हैं। इसका इंदौर प्राचीन नाम है और अभी वर्तमान का नाम है इंदौर। धारा नगरी हम लोग धार को कहते थे। उज्जैनी, उज्जैन कहते हैं अब वर्तमान में। अवंतिका, ये आपका उज्जैन है। अवंतिका को पहले क्या कहते थे? अवंतिका, ठीक है। दसपुर, बंदसौर को कहते थे। भेलसा या भेसनगर, विदिशा को कहते थे। गोपांचल, ग्वालियर को कहते थे। त्रिपुरी, तेवर नया नाम है जबलपुर। शिवपुरी, सिरपुर। दिलीप नगर, दतिया का पुराना नाम है। महेशमति, महेश्वर का पुराना नाम है। महेश नलपुर है जो आपका नरवर का पुराना नाम है। रेवा या भत्ता, ये रीवा का पुराना नाम था। गढ़मंडला, मंडला का पुराना नाम था। खानदेश, बुरहानपुर का पुराना नाम था। मांडवगढ़, मांडू का पुराना नाम था। पंचालगढ़, पचमढ़ी का पुराना नाम था। गोंडवाना, मंडला का पुराना नाम था। खजूरबाग, खजुराहो का पुराना नाम था। जिजागुक्ति, खजुराहो का पुराना नाम था। इंदपुर, इंदौर को कहते थे पहले। एरीकेड, एरन को कहते थे। वत्स, ये ग्वालियर बुंदेलखंड क्षेत्र था। अनूप, निवाड़ खंडवा क्षेत्र। तुड़ीकर, दमोह क्षेत्र। शाहजहाँपुर, शाहजहाँपुर। निजामत, ये मसूरी, सीहोर। मुड़वारा, कटनी। बुद्ध निवासिनी, बुधनी। बुद्ध निवासिनी, बुधनी। अब आगे बात करते हैं हम लोग। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा घोषित विभिन्न दिवस एवं वर्ष, तो ये दिवस हैं आपके या वर्ष। राज्य स्थापना दिवस आपका 1 नवंबर को मनाया जाता है। नगरीय निकाय दिवस 2 नवंबर। बेटी बचाओ दिवस 5 अक्टूबर। लोक सेवा दिवस 25 सितंबर। महिला सशक्तिकरण दिवस 18 जून। जनसंख्या नियंत्रण दिवस 11 मई। महुआ दिवस 11 जुलाई। महुआ वर्ष 2011 को। ट्रैफिक वर्ष 2011 को। वांस दिवस 3 जुलाई। कर्तव्य पर्व 25 सितंबर से 2 अक्टूबर तक। अन्न उत्सव प्रत्येक माह की 7 तारीख को। पर्यटन वर्ष 2016 को। गरीब कल्याण वर्ष 2016 को, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और याद करते रहिए। फिर अब बात करते हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख शासकीय कार्यालय भवनों के नाम। ये भवन का नाम हो गया, ये कार्यालय हो गया आपके। मेंटो हॉल, राज्य का पुराना विधानसभा भवन। इंदिरा गांधी विधानसभा भवन, राज्य का नवीन विधानसभा भवन। वल्लभ भवन, ये राज्य का सचिवालय है। सतवाड़ा भवन, राज्य संचालनालय। शक्ति भवन, राज्य विद्युत मंडल। ऊर्जा भवन, मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग को। पर्यावास का भवन, राज्य मानवाधिकार आयोग। पुस्तक भवन, मध्य प्रदेश पाठ पुस्तक निगम। निर्वाचन भवन, राज्य निर्वाचन भवन। श्यामला हिल्स, मुख्यमंत्री जी का निवास स्थान है। विंध्याचल भवन, राज्य योजना आयोग। राजभवन, राज्यपाल निवास। पासपोर्ट भवन, भोपाल। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख नगर व राजधानी नाम। भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है। इंदौर को व्यवसायिक राजधानी कहा जाता है। इंदौर को खेल की राजधानी भी कहा जाता है। सिंगरौली को ऊर्जा की राजधानी भी कहा जाता है। जबलपुर को सांस्कृतिक राजधानी।
पचमढ़ी को पर्यटक राजधानी, बालाघाट को मैग्नीज राजधानी, मेहर संगीत राजधानी, पचमढ़ी आपका ग्रीष्मकालीन राजधानी, उज्जैन धार्मिक राजधानी, जबलपुर आपका न्यायिक राजधानी। ठीक है, मध्य प्रदेश के प्रमुख व्यक्तियों के उपनाम उपाधियां, ये व्यक्ति दिए गए, ये उनकी उपनाम या उपाधियां, जैसे तानसेन, इन्हें संगीत सम्राट कहा जाता है, कालिदास को भारत का शेक्सपियर, रानी लक्ष्मीबाई को मनु कहा जाता है, चंद्रशेखर आजाद साहब को शहीद कहा जाता है, लता मंगेशकर स्वर सामग्री, पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र को आधुनिक चाणक्य कहा जाता है, माखनलाल चतुर्वेदी एक भारतीय आत्मा कहा जाता है, रानी अवंती बाई रामगढ़ की झांसी की रानी है, कुंजीलाल दुबे मध्य प्रदेश के विधि पुरुष हैं, विजया राजे सिंधिया राजमाता, अहिल्याबाई होलकर लोकमाता देवी या देवी, कुशाभाऊ ठाकरे भाजपा के पितृपुरुष हैं, अशोक कुमार दादा मुनि के नाम से, राजेंद्र जैन भगवान रजनीश या ओशो के नाम से, दिग्विजय सिंह को दिग्गी राजा के नाम से, बाबूलाल गौड़ को बुलडोजर के नाम से जाना जाता है। बुलडोजर के बाद आता है सैयद मुश्ताक अली को कैप्टन के नाम से, सुमित्रा महाजन साहब को ताई के नाम से, अलाउद्दीन खां को सरोद सम्राट के नाम से, शंकर लक्ष्मण को गोली के नाम से, आचार्य केशव दास को कठिन काव्य का प्रेत के नाम से, संत सिंगाजी को मालवा का कवि, स्वर्गीय लक्ष्मण सिंह गौंड को दादा के नाम से, कुंवर चैन सिंह मध्य प्रदेश का मंगल पांडे के नाम से, कुंवर चैन सिंह को अनिल काकोड़कर विज्ञान पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। तो ये देख लिए हम लोग, मध्य प्रदेश एक दृष्टि में देख लिया है आज, मध्य प्रदेश एक दृष्टि में हम लोग देख चुके हैं। अब आपकी जो करंट अफेयर्स है तो उसके बारे में याद रखना, हम लोगों ने बात कर चुके हैं, एक पूरा 2019 का करंट अफेयर्स, वो आपका सुपर फास्ट रिवीजन के नाम से जो आपकी प्ले लिस्ट सूची है उसमें मिल जाएगा, और 6 घंटे के करीब है लेकिन पूरा कंप्लीट है। और जो कल्याणकारी कार्यक्रम है ये भी हम लोग ख़त्म कर चुके हैं, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 ख़त्म कर चुके हैं, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 भी ख़त्म कर चुके हैं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण ख़त्म कर चुके हैं, पूरा अपडेट जितने भी एक्ट थे आपके अपडेट कर दिए हैं। ठीक है, लेकिन अब MPPSC में इसका कोई ज़्यादा महत्व नहीं बचा हुआ है, पूछे जा सकते हैं क्वेश्चंस, पता नहीं देखो क्या होता है आगे, एक दो तो पूछते रहेंगे मध्य प्रदेश के सामान्य ज्ञान के तौर पर। तो हमारा कंप्लीट मध्य प्रदेश का पूरा सामान्य ज्ञान कंप्लीट हो गया, याद रखना जो आपका मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान के नाम से जो आपकी प्ले लिस्ट सूची है उसी में आपके सभी लेक्चर मिल जाएंगे, आप कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं, और इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इतना कर पढ़ लोगे काफ़ी है, आपका कोई क्वेश्चंस नहीं छूटेगा। ठीक है, याद रखिए।